कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, वो नीचे डाल दी है। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एंड देखो शैलेश जग चुके हैं और सुबह के बज चुके हैं 9:30। एंड देखो ये रेडी हो चुके गुड हैं। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो अभी नाश्ता बाकी है, तो अभी नीचे जाना है नाश्ता करने के लिए। बहुत ज़्यादा भूख लगी है और ये भी कह नहीं रही कि चलो नीचे, भूख लगी लगी वो है। भी उसका वीडियो बना ले, और मेरे को भी बाकी है अभी चलो ठीक है, तो अभी मॉर्निंग हम का। नीचे चलते हैं और चलो नीचे जाके अभी नाश्ता वाश्ता करते हैं, चाय वाह बनाते हैं। चाय बनानी बाकी है उसके लिए, क्योंकि वो ठंडी हो चुकी होगी, अभी दूसरी बनानी पड़ेगी। पापा के लिए तो ऑलरेडी बना के उसे पिला दी है, तो पापा नाश्ता करके निकल चुके हैं। तो अभी मैं इसकी राह देख रही थी, तो अभी 2-3 दिन में मम्मी आ जाएगी, तो उसके बाद इसकी ज़रूर नहीं पड़ेगी, उसकी ज़्यादा ज़रूर नहीं पड़ेगी। हाँ, क्योंकि मम्मी आ जाएगी ना, तो अभी मैं और मम्मी और पापा तीनों सवेरे नाश्ता कर लेंगे। और इसकी इसके लिए 9 बजे तक राह नहीं देखनी पड़ेगी, इसको 9 बजे देंगे नाश्ता। तो मम्मी 2-3 दिन में शायद आ जाएगी, उसने बोला कि 2-3 दिन में आ जाओगी। तो अभी उसे थोड़ा काम है सूरत में, कुछ खरीदी बाकी है तो वो कर ले, क्योंकि शादी आ रही है। तो ऑफिशियली खरीदी की वो जो भी लेना खरीदी करिए की होगी ना, वो भी कम पड़ेगी, क्योंकि अभी ये बाकी है वो बाकी है, ये सब ही होता है। तो इसलिए अभी उसे थोड़ी खरीदी बाकी है तो वो कर लेंगे, उसके बाद हम साथ हो जाएंगे 2-3 दिन के बाद। तो अभी चलो नीचे चलते हैं, और बहुत सारी भूख लगी है इसलिए नीचे जाके चाय बनाते हैं, तब तक ये आ जाएगी और नाश्ता कर लेते हैं। चलो नाश्ता रेडी हो चुका है, चाय भी बन चुके है, खाखरा भी है, ये राइस मसाले वाला राइस बनाया है, रोटी भी है, मिर्च भी है। तो देखो चलो चाय भी है, तो अभी नाश्ता करने के लिए रेडी हो चुके हैं, तो अभी हम नाश्ता कर लेते हैं। चलो तो अभी शैलेश न्यूज़पेपर पढ़ते हुए है, तो अभी देखो ये न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, और देखो इसको ज़रा भी भूख नहीं लगी। मैं सुबह से कितने बजे से जग हुई हूँ, तो अभी इसे भूख नहीं लगी और मेरे को बहुत भूख लगी है। चलो भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो चुका है, और भगवान से प्रार्थना करें कि जल्दी ग्राउंड पर आओ, आ जाए, ठीक होने के बाद आ जाए। चलो आ जाएंगे आ जाएंगे, मैं भी थोड़ी प्ले करूँगी उसके लिए। चलो आ जाओ, अभी मेरे पेट के लिए प्ले करो आप। ऋषभ पंत ओके, चलो मेरी पेट के लिए भी कुछ करो आप। हो जाएगा। चलो चलो चलो। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी देखो दोपहर के बज चुके हैं 5, और फिर भी अभी कोई भी घर पे नहीं है। शैलेश 4 बजे से बाहर चल 3 बजे से, हाँ 3 बजे से बाहर जा चुके हैं और फिर भी अभी तक आए नहीं हैं। और अकेले अकेले बोर हो रही हो? कोई नहीं, मैं आपको देख के मेरे दिखाती हूँ। देखो कोई नहीं है, नाश्ता दूध अभी बाहर नहीं है, ये है देखो सभी के घर बने हैं, मैं और गई दोनों ही बाहर है, और दादा भी अपने रूम में है। चलो मैं वेट कर रही हूँ, तो शैलेश आए और कुछ बनाएंगे अभी। अकेले अकेले कुछ मज़ा नहीं आ रहा, तो इसलिए सोच रही थी तो शैलेश आएंगे ना तो कुछ बनाएंगे, या फिर मैगी बनाएंगे, क्योंकि अकेले अकेले थोड़ा बोरिंग हो रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। तो भी मैंने काम तो सब कुछ कर लिया है, लेकिन बाजरी है ना उसको चक्की में डालना है, वो चक्की में पीसनी है, तो बाजरी का सा शाम को रोटला बनाना है ना, इसलिए तो अभी उसको चक्के में डालना है, उसको पीसना है। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ, तो को बड़ी मम्मी वो आ जाए ना खेत पे से, तो उसे बोलूँगी कि वो चक्के में डाल के उसका जो भी फिट करना होता है ना वो कर देगी, मुझे नहीं आता इसलिए। तो अभी मम्मी की तो राह दिख रही है, मम्मी 2-3 दिन में आ जाएगी। अभी 2-3 दिन उसके कब हो गए पता नहीं, लेकिन वो आप आ जाएंगे, क्योंकि मुझे अकेले अकेले बहुत ज़्यादा, आपसे कहती हूँ ना मैं हर बार कि मुझे अकेले अकेले कुछ मज़ा नहीं आता, इसलिए तबीयत भी खराब हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ है, तो अकेले अकेले तो मज़ा भी
तबीयत भी बिगड़ जाती है और काम तो ज़्यादा ही रहता है उसका। तो कोई बात नहीं, काम तो मैं कुछ भी करके कर लेती हूँ, लेकिन अकेले अकेले रहना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है। वैसे शैलेश भी चले जाते हैं, पापा भी चले जाते हैं, और बड़ी मम्मी काकी वो भी खेत पे चले जाते हैं, तो मुझे अकेले अकेले मज़ा नहीं आता। इसलिए मम्मी ने मैंने कल कॉल किया कि आप आओ, अभी कितने दिन हो गए हैं तो मुझे अकेले अकेले नहीं पसंद आ रहा, तो आप आ जाओ। तो कहा तो है आ जाएंगे, तो आ जाएंगे, 2-3 दिन का कहा है, तो अभी 2-3 दिन में आ जाएंगे ऐसा बोल रहे थे। तो अभी आएंगे तो आपको भी पता चल ही जाएगा, तो इसलिए चलो अभी हम शैलेश को कॉल करते हैं, वो कब तक आएंगे तो मैगी बनाते हैं, या वरना तो मैं कुछ काम कर लेती हूँ, तब तक आएंगे, तब तक तो वो आगे आएंगे उसके बाद ही हम बनाएंगे। तो चलो अभी मुझे काम भी थोड़ा के, लेकिन अकेले अकेले करना है ना तो मैं आराम से करती हूँ, तो ज़्यादा चलता है। तो अभी 5 सब बज गए हैं, तो अभी 6 बजे तक आराम से करूँगी, तो 6 भी बज जाएंगे, 7 ये शाम की रसोई का टाइम हो जाएगा, तो डिनर का टाइम हो जाएगा, तो उसके बाद डिनर ले लेंगे, तो टाइम वैसे भी चला जाएगा। और मम्मी होते हैं ना तो मुझे झटपी झटपी काम कर लेती हूँ, जल्दी जल्दी से ख़त्म कर लेती हूँ, फिर मम्मी और मैं दोनों बैठ के बहुत सारी बातें करते हैं। तो वो वहाँ की कहती कहते हैं सूरत की, तो मैं यहाँ की कहती हूँ, तो या फिर कोई बात नहीं होती तो वो अपने पुरानी बातें सब खोल के बैठ जाती है, तो मुझे मज़ा आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो सब अपनी अपनी पुरानी बातें कहती ना, शैलेश जब छोटे छोटे थे तब की बातें कहती है, तो मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। इसलिए मैं जानबूझ के क्या उसको एक बात छेड़ती हूँ ना तो वो सब कुछ कह देती है, तो मुझे बहुत मज़ा आता है मम्मी के साथ। तो वो होती ना तो शैलेश मुझे डांट लेते हैं ना, तो मैं मम्मी को कंप्लेंट करती हूँ, तो मम्मी उसकी बातें सभी खोलती है, पछी पापा उसके बाद पापा के बात करती है, या फिर उसकी शादी की बात करती है, या फिर शादी से पहले की बात करती है। वैसे कहूँ तो मम्मी को ज़्यादा मिस करती हूँ, कि अकेले अकेले इसलिए मज़ा नहीं आता मुझे, क्योंकि मम्मी होती ना तो हम कुछ ना कुछ बातें करते हैं, या फिर दोनों को काम में काम करती हूँ ना, तो काम करते करते ही हम दोनों बातें वगैरह कुछ भी चलता ही रहता है हम दोनों दोनों का, तो इसलिए मम्मी को ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो चलो मुझे कुछ भी बोलना नहीं है, अभी थोड़ी देर के बाद मैं मिलती हूँ। चलो फ्रेंड्स, तो अभी हम बनाएंगे मैगी, और देखो मटर भी मैंने छीन लिए हैं, और शैलेश को कॉल किया था तो शैलेश ने बोला है कि मैं आऊँगा तुम बना के रखो, तो अभी मैं बना रही हूँ मैगी, तो बने रहना वीडियो में। तो चलो हम मैगी बनाते हैं एंड आपको दिखाते भी हैं, एंड शैलेश ने बोला है मैं आऊँगा तुम रेडी रखो। तो चलो अभी हम, तब तक आप थोड़ी देर बैठे, तब हम क्या करेंगे, मैगी लेके आ रहे हैं, ये आ गई हमारी मैगी। तो चलो अभी हम मैगी बनाएंगे एंड आपको भी खिलाएंगे और खाएंगे भी, एंड शैलेश भी अभी आ रही है, तो अभी शाम के 5:30 बजने वाले हैं, तो 10-15 मिनट ही बाकी है, तो 6 बजने में, तो अभी 6 बजेंगे, तब तक हम फटाफट से मैगी कर लेते हैं, तब तक आप बने रहे वीडियो में। तो अभी हम पहले पानी को उबाल लेंगे, उसके बाद ये मटर डाल देंगे, तो उबल जाने के बाद मटर डालेंगे ना तो मटर है ना वो पक जाएंगे, तो ये मटर है ना पक जाएंगे, तब तक पानी गर्म हो जाएगा नहीं, उसके बाद हम डालेंगे, उसके बाद हम मैगी डालेंगे, इसके वजह से स्वाद बहुत अच्छा आएगा मटर का। चलो वरना मटर कच्चे लगेंगे, मैगी हो जाएगी वरना, और मटर कच्चे लगेंगे, इसलिए तब तक पानी उबाल आने देते हैं। चलो देखो शैलेश भी आ चुके हैं, तब तक अभी तो उबाल आना शुरू नहीं हो, तो तब तक तो आ गए देखो। चलो अभी हम अकेले हैं, अभी कोई आया अभी नहीं है, मुझे लगा था बड़ी मम्मी भी आ जाएगी, वो भी नहीं आई है। अभी मेरे को चक्की में आटा भी पीसना है, बापा को खाना है, मुझे पता है आटा पीसेंगे तब रोटले बनेंगे ना। चलो तो अभी आप,
मैगी बनाने में हेल्प करेंगे। इसमें क्या है मैगी में, तो मैं आपके कोई हाथ अपना की बहुत कुछ नहीं, अच्छी लगते हैं इसलिए। ये कोई बात चीज है ना, चीज हाँ है ना, चीज वाली खानी है तो अंदर आके डालूंगी ना। चलो फ्रेंड्स, तो अभी पानी भी गर्म हो चुका है देखो, तो हम क्या करेंगे, मटर को डाल देगी इसमें। चलो अभी मटर को थोड़ी देर के लिए उबाल लेंगे, उसके बाद ही मैगी जाएगी। लगा है ना, तो अभी क्या करेंगे हम, हाँ अभी लाइट हुई तो इसमें ये मैगी है ना टुकड़े टुकड़े करके डालेंगे। तो अभी शैलेश को बोलेंगे, शैलेश इसे टुकड़ा टुकड़ा कर दो, जो बार उड़ी न जाए, वराड़ लगती है शैलेश एम नहीं, अड़ू 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 अड़ू। चलो अभी उसने डाल दिए, तो अभी हम मैगी मसाले को तोड़ देंगे, इसको भी तोड़ देंगे। चलो तब तक ये उबाल आ जाएगा इसका अच्छे से। हेलो फ्रेंड, तो मैगी ठीक से, चलो मैं मैगी में मसाला जा रहा है, और हमारा है ना मैगी के साथ जो आता है ना उससे कम पड़ता है, तो इसके लिए थोड़ा वो एक्स्ट्रा वाला भी डालना पड़ता है ना। ठीक है, तो जल्दी मैगी तैयार हो जाएगी और मैं आपको चीज दिखाता हूँ। ठीक है, चीज बड़ी है, मस्त मस्त। ठीक है, वो डाल दे, जब फिर मिलते हैं। चलो मित्रों, तो मैगी फर्स्ट क्लास रेडी हो चुकी है, उसको नीचे डालेंगे, नीचे नीचे, नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, वो नीचे डाल दी है। ठीक है, तो अभी मैगी रेडी हो चुकी है, थोड़ा सूप सूप रखा है मैंने बोला था तो इसलिए। ठीक है, तो जल्दी वो डाल दे सीज, બરોબર છે, ફર્સ્ટ ક્લાસ મહેંગી થઈ ગઈ છે અને હવે બસ સીજની જ વાટે છીએ। ઓકે, ગુજરાતીમાં બોલું ને ત્યાં એમ ડોળા કાંઠા, મારે ક્લિપનું હું એમ કે, પણ મારો ફોન છે કે, ઓકે ચાલ। ચલો ફ્રેન્ડ્સ, તો બી લઈ લઈશ તમારા માંથી આવો। कितना जल्दी हो रहा है, जल्दी से ला, जल्दी से ला, ये सब बोल रहे हैं। आपको बोल रही हूँ, कहाँ जाना है आपको, इसलिए एक मीटिंग है ना, तो इसलिए मीटिंग है, मीटिंग है तो इसलिए सभी जहाँ पर मीटिंग है वहाँ पर खाने का वो सब कुछ इंतजाम करने का था। ठीक, तो इसलिए अभी मेरे को जाना भी है मैगी खाने के बाद। ठीक है, जल्दी जल्दी, और 8:30 बजे मीटिंग है। ओके, तो 8:30 बजे, 8:30 बजे आज जल्दी नहीं है, है? तो अब कब तक खत्म होगी आपकी मीटिंग? मीटिंग तो 10-11 बजे आएगी। अच्छा, तो बात अच्छी है, तो अभी मेरे को मुझे भी खाना जल्दी बनाना पड़ेगा ना डिनर। अभी खाने का भी वहाँ पर प्रोग्राम है, इधर भी खाएंगे हम। ठीक है, हाँ, तो वो भी है। हाँ, फिर भी मेरे को शाक रोटले भी, सब इंतजाम है वहाँ पर, शाक रोटले भी बनाना है ना, सब्जी वगैरह। चलो, आपने देखा ना शैलेश को कितनी जल्दी है, एक तो कितनी देर बाद घर पे आई है, तो उसमें भी बोल रहे हैं कि जल्दी लाओ मुझे जाना है। तो ये वैसे भी ठीक है, क्योंकि कब से मैं अकेली थी ना, तो मैंने उसको बोला था कि आप घर पे आओ, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो आए तो सही, क्योंकि वो 3 बजे से चले गए थे, तो वैसे फ्रेश भी हो चुके, तो उसका नाश्ता भी हो जाएगा। देखो, तो अभी मैगी हमारी पक रही है देखो अच्छे से, तो उसमें बहुत सारी इसने मिर्च भी डाल दी है, ऐसे उसे मिर्च बहुत पसंद है ना, तो उसके वजह से मुझे भी खानी पड़ती है। तो देखो डब्बा यही पड़ा है, तो इसमें तो बहुत सारी मिर्च डाल दी उसने। तो चलो फ्रेंड, तो अभी मैगी बना लेते हैं, उसके बाद हम वापस मिलते हैं मैगी बन जाने के बाद। तो उसको जल्दी है, तो मैं फटाफट वहाँ पर सब कुछ रख के आती हूँ, तब तक आप वीडियो में बने रहे, तब तक मैगी भी बन जाएगी। चलो चीज भी डाल दिया है उसमें, देखो
चलो फ्रेंड्स, तो अभी हम खा लेते हैं। खा के फ्री हो चुके हैं और दूध लेने जाने का टाइम भी हो चुका है। देखो 6:30 बजने वाले हैं और चक्की में आटा पीसने के लिए डाल दिया है स्टोर रूम में, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। चलो अभी आटा पीसने के लिए डाल दिया है, तो अभी आटा पीस जाएगा तब तो उसके बाद हम जाएंगे दूध लेने के लिए। अभी थोड़े देर के बाद ये बाजरा पूरा हो जाएगा ना, ख़त्म हो जाएगा ना, तो उसके बाद हम जाएंगे दूध लेने के लिए। चलो अभी हम थोड़ी देर में मिलते हैं। चलो फ्रेंड्स, तो अभी देखो दूध लेके आ गए हैं, तो अभी फटाफट से डिनर की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि शैलेश कह रहे थे ना कि उसे एक मीटिंग है, तो ऐसा कुछ है, ऐसा मुझे खास पता नहीं, तो ऐसा कह रहे थे, इसलिए अब जल्दी जल्दी से डिनर बना लेते हैं। अभी क्या बनाना है तो डिसाइड नहीं हुआ है, तो अभी शुरुआत बाजरे के रोटले से करते हैं, सब्जी तो कोई भी बना लेगी। तो चलो अभी हम रसोई बना लेते हैं। चलो देखो जो 6:30 बज चुके हैं फ्रेंड्स, तो अभी देखो हमने डिनर बना लिया है, देखो नीचे पड़ा हुआ है, तो अभी मैं बैग कैमरे से दिखाती हूँ। एंड शैलेश भी रेडी हो चुके हैं खाने के लिए। ये भाभी रेडी थाउ पड़े है, रेडी थाउ पड़े तमार जाऊ से એટલે ઉતાવળ છે, ખાલી કે ના ઉપે તમાર ગડી કમા નાડે તો જે ઓ હે થેન્ક યુ। तो अभी पापा की राह देख रहे हैं, पापा आएंगे तो अभी हम डिनर करने बैठ जाएंगे। तो चलो अभी अबे तो जम्मा बैसवाना चाहिए। हाँ भिकता में जम्मा बीच जो हम तो डिनर करो, हम डिनर करेंगे। चलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं आपको बैक कैमरे से दिखा देती हूँ क्या मैंने बनाया है, मैंने क्या बनाया है। बोबड़ा है गया बोबड़ा है। ओके बताइए जो बैक कैमरा थी। चलो बाजरे के रोटले है एंड सेव टमाटर की सब्जी है, तो अभी इसमें धनिया डालना बाकी है, तो इसमें सेव टमाटर की सब्जी है और रोटले ही एंड गुड़ एंड दूध। चलो फ्रेंड्स, हमारा शाम का डिनर है ये, तो चलो अभी हम खाने के लिए बैठ जाते हैं, उसके बाद हम मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज का ये वीडियो यहाँ पर पूरा करते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।